नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा भी आपके मन में जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके लिख के भेज सकते हैं। अभी पूरे देश में सर्दियों का सीज़न है तो लगभग चिकित्सकों के पास में घुटने दर्द के काफ़ी सारे मरीज आते रहते हैं, तो आज मैंने सोचा कि घुटने दर्द से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। नी पेन, घुटना दर्द क्या होता है? घुटना दर्द जो है घुटने पर पेन को ही कहा जाता है। अब घुटना दर्द के क्या कारण हो सकते हैं? घुटने दर्द के कारण कई सारे हैं, जिसमें एक मुख्य कारण बर्साइटिस नामक एक रोग भी है, जिसमें क्या होता है घुटने के जोड़ों पर फ्लूड लिक्विड का इकट्ठा होना माना जाता है। कई बार टेंडिनाइटिस बोल करके एक बीमारी होती है, जिसमें जो टिश्यू कनेक्टिंग है मसल टू बोन में, हड्डियों के जॉइंट में जो टिश्यूज़ रहती हैं उसमें कई बार जो है पानी भर जाता है, गांठें पड़ जाती हैं, उसके वजह से भी कई बार जोड़ों पर दर्द होता है। कई बार एक बीमारी है बेकर सिस्ट कहा जाता है, जिसमें क्या है घुटने के पिछले हिस्से में गांठें हो जाती हैं, उसके वजह से भी दर्द होता है। कई बार ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें हड्डियों का चूरन बनना या टूटना, हड्डियों का उसमें सुराख बनना, ये मुख्य कारण है घुटने दर्द होने का। इसके साथ साथ रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे आप लोगों ने लगभग सभी ने सुना होगा कि जिसे हिंदी में संधिवात के नाम से भी जाना जाता है, इसके वजह से भी घुटना दर्द होता है। कई बार एज रिलेटेड भी इशू होता है कि 50, 60 या 40 प्लस हो गए हैं तब घुटने में दर्द हो रहा है। कई बार एशियल टीयर के वजह से भी होता है। एशियल टीयर में क्या होता है, जो लिगामेंट होता है वो टूट जाते हैं या चोट ग्रसित हो जाते हैं तब भी दर्द होता है। कई बार ये देखा गया है कि कोई इंजरी हमें 5 साल या 10 साल पहले मिला था, उस इंजरी के वजह से भी घुटने दर्द होते हैं। अब घुटने दर्द का कुछ घरेलू टिप्स मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा, जिसमें आप डॉक्टर तक पहुँचने से पहले आप थोड़े बहुत कोशिश करके देख सकते हैं। जब भी घुटना आपको कॉमनली दर्द करे तो इसका मतलब है घुटने को थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर आपका घुटना दर्द करता है तो आप उसे आइस पैक द्वारा उसको थोड़े देर तक रब कर सकते हैं, या हीट दे सकते हैं आप थोड़े देर तक, या कंप्रेशर के द्वारा उसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एलिवेशन करके थोड़े नॉर्मल एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जिसमें ये ज़रूर ध्यान रखना होगा जिसमें आपको घुटने पर दबाव या खिंचाव ज़्यादा मात्रा में ना महसूस हो। कुछ डाइट के बारे में जिक्र करूँगा कि जो हमारे बोन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, मैंने कैल्शियम रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, अगर आपने उनको देखा होगा तो उसमें भी मैंने बोन्स का जो है मुद्दा ये उठाया है। हमारी बोन्स को जो है ज़्यादातर कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत अत्यधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, तो कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड को तो आप खाएंगे, उसके साथ साथ ऑलिव ऑयल का प्रयोग कीजिए, ओमेगा 3 का प्रयोग कीजिए, गार्लिक का प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि इनके साथ साथ कुछ परहेज भी होते हैं, जैसे हमारे अगर नी का प्रॉब्लम है, घुटने का हम परमानेंट पेशेंट है, तो हमें फ़ास्ट फूड बिल्कुल बंद करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स या अल्कोहल स्मोकिंग को टोटली बंद कर देना चाहिए। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हाई एनिमल प्रोटीन या फैट वाली डाइट को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें नमक की मात्रा भी बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। नमक अगर आप कंटिन्यू ज़्यादा मात्रा में लेते रहेंगे तो धीरे धीरे अपने घुटने के जो साइनोबियल मेम्ब्रेन है वो भी घिस जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा भी जो भी सवाल हो आप मेरे क्लिनिक में आ करके या मुझसे प्रत्यक्ष रूप से अगर ना भी मिल पाए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो इसमें शेयर किया हुआ है आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।